लो जी, गुड मॉर्निंग। जय राम जी की। कैसे आप सब? सुबह के बजे हैं 5 और मैं उठी थी 3:30 बजे। और मैंने 3:30 बजे उठ के क्या किया, मैं आप लोगों को दिखाऊं? तो सुबह के 5 बजे से हमने अब लोग शुरू कर रहे हैं, और रात को हम सोए थे तो 11 बज गए थे लगभग। मतलब फॉर्मेलिटी का जो होता है ना, मिट्टी मिट्टी नीचे से वो उठाई थी बस, फिर 11 बज गए थे। देखो मेरी दशा कैसी हो रखी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या किया है। 3:30 बजे पानी आया था, तो ये देखो मैंने ये किचन जचाई है, ये साफ किया है पूरा, बहुत गंदा हो रखा था, ये सब क्लीन किया है। और ये बर्तन अभी बचे हैं वो सारे मैंने धो दिए, नीचे से क्लीन कर दिया, ठीक है। और ये वाला रूम जो है इसको साफ कर लिया मैंने, अभी अरेंज करना बाकी है। इतना कचरा निकला है इनमें, वो रात को निकाला था उसमें से। तो सुबह 3:30 बजे यहाँ पानी आ गया था, पानी लगा दिया मैंने, ऊपर वाली टंकी भर दी, डायरेक्ट भरी जाती है वो, टैंक में से कनेक्शन नहीं है उसका। वो भरने के बाद में फिर मैंने नीचे की क्लीनिंग शुरू की थी। मैं नहीं उठ गई, देखो काफ़ी देर से उठी। अब ये दोबारा सुलाया उसको, नए घर में नींद नहीं आती ना, और ऊपर से यहाँ कोई है नहीं तो वो बंद पड़ा है, तो इसकी और नींद नहीं आती। और आज पता है मेरे को रात में वैसे भी नींद नहीं आई, पूरी रात यूँ लगता रहा पानी आ गया पानी आ गया। पानी नहीं है ना घर में, तो पानी भरने के लिए ना अभी भी मेरे को यूँ लगा था सपने में कि पानी आ रहा है बाहर, और फिर मैं नींद में से उठ के गई तो 3:30 बजे पानी आया था। देखो कैसे दिन है। तो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। हाँ लो जी, मैं आप लोगों से सुबह बात कर रही थी ना, तो मैंने सुबह तो किचन तो क्लीन कर ही दी थी, किचन जचा दी थी। अब चाय बनाइए, चाय पियेंगे मैं और शर्मा जी दोनों। और दो दिए थे मैंने, लेकिन मेरे को ये लग रहा है कि स्मेल हो इनमें, काफी दिन से बंद थे ना। चाय पियेंगे, चाय के साथ कुछ दो चार बिस्किट, और फिर अपने बाहर की सफाई करेंगे। बाहर बहुत गंदा हो रखा है, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, अभी रुको। साहब जी बताना है तो एक बार, इधर इधर देखो एक बार, इस तुलसा का क्या करना चाहिए? तुलसी का ये कितनी बड़ी है देखो। पूजा नहीं, बहुत भारी है यार, एक उड़ाने भी है फिर बारी की पूजा को नहीं हुआ, मतलब मच्छर बहुत हो जाएगा इससे। मच्छर वैसे कम है बीकानेर में, हैं तुलसा से कम और ज्यादा हो जाएगा, वैसे कम है बीकानेर में, बैठा आदमी उठा ले जाए, बैठे आदमी तो उठा ले जी। ये देखो नींबू का पेड़ हमारे, ये बड़ा हो गया जब हम छोटे थे, जब ये छोटा था, अब हम बड़े हो गए जब ये बड़ा हो गया। ये छोटा सा लगाया था हमने। ये दोनों की चाय, इसमें बिस्किट, मेरे फेवरेट बिस्किट ये है। इनके फेवरेट बिस्किट गुड्डे, तो हम दोनों ये एंजॉय करते हैं। फिर उसके बाद में ये घर हमें बुला रहा है कि आओ हमें, मेरे को साफ करो। ये देखो साहब, आज बिस्कुट का, बिस्किट का लालच में, बिस्कुट नहीं बिस्किट, बिस्किट का लालच में चाय पी रहे हैं, नहीं तो नहीं पिया करी। हाँ बालका इतरिया ना, इसको मतलब ये मार दो बिस्कुट है ही कौन है, थमी ले ये भी था तारा बीकानेर में बिस्किट मार दो, बिस्कुट मिले ही कौन है ना। बात क्या नहीं है, मैं कह रही बिस्किट का चक्कर, आप ये कह रहे हो चाय बिस्किट का चाय होगा, मैंने चाय ली है मतलब मार दो, है ही कौन है, ठीक है देख तो दुख तिरक जानबूझ के हाथ गए। चाय पी ली है और खड़ा हो गया ना मेरे साथ में, फावड़ी लाऊं या घास कटवाऊं? फा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं है, मैं तारे घर में सारो काम करूंगा, थमने मारे घर में कम करना पड़ो, मना करे करो, मैं थारी काम करे करो, मैं थारे सारो काम करूं थाने मारे घर में करना पड़ो, मतलब नहीं है भाई, मतलब तो है ना, करना पड़ेगा, खड़ा हो लो। तो जी आप सामने देख रहे होंगे कितना ज़्यादा यहाँ पे गंदा हो रखा है। ये जो हमारे यहाँ पे पेड़ पौधे हमने लगा रखे हैं ना, उसके कारण बहुत सारे पत्ते गिरे हुए हैं, तो शर्मा जी भी झाड़ू उठा के लग चुके हैं मेरे साथ। और हम दोनों का पहले आने का मकसद यही था कि हम दोनों आकर के घर को थोड़ा सा रहने लायक बना लेंगे,
मतलब कि इतना तो कर देंगे कि भाई आकर के, और मम्मी है, अर्जुन है, आरती है, प्रतीक जी हैं, वो एक साथ एम्बुलेंस में आएंगे, फिर उसके बाद में बच्चे आएंगे सेम डे, क्योंकि आरती माँ की ममता यार होती ही है, उसका मन हो रहा है कि वो बस बच्चों को जल्दी से एक बार अपने गले लगा ले, एक बार देख ले, चाहे उसको उसका शरीर काम नहीं कर रहा लेकिन होश तो है ना, उसकी ममता तो कहीं नहीं गई है ना। बस उस चीज़ को सोचते हुए हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम पहले जाएंगे, घर को रहने लायक करेंगे, ताकि जिस दिन वो लोग आए, जिस दिन हम पहुँचे थे ना उससे नेक्स्ट डे ये लोग आ गए थे, मतलब कि पहुँचे हैं उसके अगले ही दिन रात को पहुँचे थे, बच्चे नहीं आए थे। बच्चों के लिए क्या हो गया था कि इन लोगों को छुट्टी मिलने में शाम के 6 बज गए थे, तो बच्चों को उधर से मना कर दिया गया था कि अभी ना निकले क्योंकि रात को यहाँ पहुँचेंगे और ये होगी नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा, नेक्स्ट डे ही आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आप, इतना कुछ हमने पत्ते से है ना वो सारे समेट लिए हैं, और ये मैं मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल टाइम मैं इसको समझ रही हूँ। आप सबने देखा होगा शर्मा जी बीमार हुए थे, मैंने उस चीज़ को उतना, मतलब उस हद तक मैंने परेशान नहीं हुई मैं, जितना जिस हद तक मैं अब फिलहाल मेरी कंडीशन है मैं आपको बता नहीं सकती। मन जो है ना, मन जितना मैं अपने आप की हिम्मत को बटोर कर लेकर आती हूँ उतना ही अगले ही पल टूट जाती है। कैसे टूटती है आप एक बहन की नज़र से, एक माँ की नज़र से देखना। मैंने आरती को अपनी बहन भी माना है, अपनी बेटी भी माना है, तो बस ये है ना, हिम्मत टूट जाती है, लेकिन फिर अगले ही पल ये सोच करके कि कौन करेगा, मम्मी है, मैं हूँ, नहीं तो फिर कैसे करेंगे, बच्चे हैं छोटे छोटे, करना पड़ेगा, ये सोच करके फिर से हिम्मत आती है। और आप लोग पूछ रहे थे दीदी आपने ऑपरेशन किस चीज़ का कराया है, तो मेरा ऑपरेशन, जैसे 2 बच्चे हो गए थे, मैंने ऑपरेशन मेरा नहीं हुआ था, फिर उसके बाद में ये मिसकैरेज होने के बाद में मैंने पक्का डिसाइड कर लिया था मुझे ऑपरेशन करवाना ही है, अभी करवाना है। तो मैंने फिर ये ऑपरेशन, उस दिन जो हमारे घर पे एक लेडी आई हुई थी उन्होंने बोला कि यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है ना उसमें हो रहा है, तो फिर मैंने करवा लिया, फिर अचानक से ये वाली न्यूज़ आ गई, तो सब कुछ ऊपर नीचे ऐसे आया कि बस समझ में ही नहीं आया कि क्या हो। लेकिन फिर भी मैंने ऑपरेशन जो करवाया था उसका पेन जो है ना, वो पेन पेन लगता ही नहीं है अब, तो ऐसे लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है। शुरू वाले दिन थोड़ा बहुत लगता था, अब तो बिल्कुल नहीं लगता है। तो इस एरिया में भी अब क्लीनिंग करने लग गए हैं, और काफ़ी बड़ा घर है, 800 गज का हमारा ये प्लॉट है, तो इसमें ना काफ़ी दूर तक पेड़ पौधों के कारण ना कचरा फैल गया, तो उसको साफ़ करने में भी यार 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। और जिस दिन हम लोग कर रहे थे ना उस दिन, बस हमने मोटा मोटा जो कचरा होता है ना उसको निकाल करके, कि कोई जानवर जैसे सांप वगैरह भी यहाँ पर मिलते हैं तो वो ना हो, हम उनको अच्छे से दोनों देख लें। शिवांश और नैनी थोड़ा सा दूर बैठे थे, और छोटे बच्चे आ जाएंगे, जैसे मेरी यशु आ जाएगी, मेरे छोटे बाबू आ जाएगा, तो उनके कारण मुझे ये करना ज़रूरी भी था पहले, क्योंकि जब यस्सु आ जाएगी तो फिर यस्सु ज़्यादा छोटी है, वो खेलेगी इधर, तो कोई, आज के दिन भी जब हम सफाई कर रहे थे तो बिच्छू निकले थे, तो फिर डर लगता है ना, तो ये सारी क्लीनिंग हम करने लगे तो भूत जैसी शक्ल हो गई थी मेरी, शक्ल की हालत क्या बताऊँ मैं आप लोगों को कैसी हो गई थी। और कौन कहेगा कि इस लड़की का, मेरा 3 तारीख को ऑपरेशन हुआ था, 14 तारीख का ये ब्लॉग है, तो कौन कहेगा कि 11 दिन इसके ऑपरेशन को हुए हैं। लेकिन बस हिम्मत आ जाती है, जब सामने बड़ी प्रॉब्लम कोई आती है ना तो पहले वाली प्रॉब्लम छोटी लगने लग जाती है, और आजकल तो ऐसे लगने लगा है कि भगवान है ही नहीं। मतलब कि यार एक इंसान को थोड़ा सा तो वक्त देना चाहिए ना संभलने का, संभलने का वक्त ही नहीं दे रहा, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ, लाइफ में कुछ ना कुछ है, एक के बाद एक, और छोटी प्रॉब्लम्स भी नहीं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते ही जा रहा है आजकल। तो बस ये सोच रही हूँ कि भगवान जी क्या पूरा ही फोकस मेरे ऊपर रखे हुए हो, क्या मैं आपको, मैं ही दिखाई दे रही हूँ, मतलब कि दुनिया इतनी बड़ी है, कहीं और भी अपनी जो दृष्टि है उसको रखिए ना, मतलब दया दृष्टि तो नहीं रख रहे। और एक चीज़ और सोचती हूँ मैं, ये बात भी मेरे दिमाग में आती है, लोग कहते हैं बुरे कर्मों का फल होता है, कुछ लोगों ने कहा भी है, तो मैं एक चीज़ कहूँ आपको, इस जन्म में मेरे हाथों से या मेरी फैमिली के हाथों से कोई बुरे कर्म तो हुए ही नहीं। आप अगर सोच के मैं आपको बताऊँ तो मतलब कर्म जो है ना, अब सिर्फ काम हुए हैं शुरू से लेके अब तक, वो अपने संघर्ष हुआ है, अपनी ज़िंदगी को कुछ बेहतर बनाने के लिए मेहनत हुई है, उसके अलावा कोई भी काम नहीं किया कि बुरा हो। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्यों ये सब। और अगर कहीं भगवान है ना तो मैं उनको एक चीज़ कहना चाहूँगी कि भगवान जी बस अगर कोई बुरा कर्म होना तो उसका फल जो है ना उसी जन्म में मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे पिछले जन्मों का कर्म जो होता है ना उसका फल होता है,
तो पिछले जन्म के कर्म का फल इस जन्म में आप दे रहे हैं, तो हमें क्या पता कि हमने क्या बुरे कर्म किए थे। इस जन्म में तो हम कोई कर्म नहीं कर रहे ऐसे। मैंने तो आज तक मेरे हाथ से एक चींटी तक नहीं मारी है, और मेरी आरती तो क्या बताऊँ आप लोगों को, कितना उसने दान पुण्य किया है, किसने कितने उसने व्रत किए हैं, मैं आपको बता नहीं सकती कितना कुछ किया है उसने। उसको ये सब कुछ कर झेलना पड़ता है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन कर क्या सकते हैं भगवान के आगे। चलो कोई बात नहीं, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, कभी तो अपनी भी सुनेगा। इसी आस पर चलते जा रहे हैं, और यहाँ पर मैं आटा लगा करके अब रोटियाँ सेक करके और फिर नहाने जाऊँगी। नहाने में 3 बज गए थे लगभग, बहुत लेट हो गया था। तो चलिए फिर इस ब्लॉग का एंड भी करते हैं, हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।